फैमिली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सुबह 5:30 बज रहे और हम जा रहे हैं शिरडी। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करिए। और देखिए ठंड लग रही है। सो फैमिली अब हम बैठेंगे और जल्दी से निकलेंगे क्योंकि हमें लेट बिल्कुल नहीं करना है। और फैमिली हम 5:30 जब निकले थे इतना ज़्यादा फॉग था, वो सीन मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई और मैंने किया भी नहीं बिकॉज फॉग की वजह से हमें लग रहा था कि कितना टाइम लगेगा हमें हाईवे तक पहुंचने के लिए। बट फाइनली हम यहाँ पे हाईवे टच हो चुके हैं और देखिए आप चारों तरफ देख के आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा फॉग है और ठंड भी काफ़ी है। और ये देखिए सूर्यदेव को देखिए एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे अभी। फैमिली यहाँ पे मैंने सबके लिए बनाई है साबुदाने की खिचड़ी क्योंकि हमने सोचा था कि हम घर का ही कुछ ब्रेकफास्ट बना के लेंगे। और सुबह 3 बजे मैंने उठ के ये सब प्रिपेयर किया है और फिर हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छी जगह हमें मिल गई तो हमने सोचा अब यहीं पे हम चाय नाश्ता करेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। एंड यहाँ देखिए सबकी प्लेट्स लगा रही हूँ, उसके बाद मैं खुद भी खाऊंगी क्योंकि मुझे लग गई है भूख और फिर पीऊंगी गर्मा गर्म चाय। एंड फैमिली ये रही मैं बुकर नंबर 1, अभी मैंने ऑलमोस्ट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है और फिर अब मैं चाय पीऊंगी और जल्दी से हम यहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म चाय। और मैंने चाय इतना ज़्यादा बना लिया था, मुझे लगा कि शिरडी पहुँचने तक मैं अपनी घर की बनी हुई चाय पीऊँगी क्योंकि मैं जैगरी की चाय पीती हूँ, इसलिए मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली थी। सो फाइनली हम पहुंच गए शिरडी और अब हम यहाँ से लेंगे एंट्री पास और उसके बाद अंदर जाएंगे। और फैमिली हमने सामने ही देख लिया था कि एंट्री पास का बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से आपको पास लेना है और फिर अंदर जाना है। सो हमने एंट्री पास ले लिया और अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे देखिए साईं बाबा की जो पालकी लेके जाते हैं वो लोग भी हैं यहाँ पे। अब हम जाएंगे अंदर और करेंगे साईं बाबा के दर्शन। कैमरा फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है इसलिए मैं यहाँ लॉकर में रख के अंदर जाऊँगी, जितना हो सकेगा उतना आप सबके लिए मैं शूट करूँगी और उतना दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और ये देखिए फैमिली हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब हम बाहर यहाँ पे प्रसाद लेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूँ अंदर प्रसाद के लिए जो थाली पहले सिस्टम था वो अब नहीं है, आप अंदर कुछ ना ही ले जाएं तो अच्छा है। और ये देखिए सामने आई लव साईं बाबा का ये एक नया दिख रहा है मुझे, इससे पहले ये नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं तो अगेन जिनको फ़ोटोशूट करना है वो सब कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से प्रसादालय और वहाँ पे प्रसाद लेंगे बाबा का और फिर हम जाएंगे शनि सिंगनापुर। तो ये देखिए श्री साईं प्रसादालय और अब हम जाएंगे यहाँ पे बाबा का प्रसाद खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी थाली लग गई है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा गया है, क्या गरीब क्या अमीर सब यहाँ पे एक साथ बैठ के बाबा का प्रसाद खाते हैं।
और फैमिली अब हम यहाँ आ गए हैं सनी शिंगनापुर, और कहते हैं कि बाबा के दर्शन के बाद सनी देव के दर्शन भी करने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए चप्पल स्टैंड, यहाँ पे हम अपने शूज जो भी सैंडल्स है वो हमने जमा कर दिया। अब हम देखिए अंदर जा रहे हैं, बहुत ही शांति है, बहुत खाली खाली सा है, तो लग रहा है बहुत जल्दी दर्शन मिल जाएगा। एंड ये देखिए ये हूँ मैं, मस्ती चल रही है और हम जा रहे हैं अंदर, सनी देव के दर्शन करेंगे और आप सबको भी कराएंगे। ओम सन शनिश्चराय नमः। ये देखिए सनी देव के दर्शन करिए और यहीं से आप उनका आशीर्वाद लीजिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शन करके। और अब मैं अंदर जाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम हम स्पेंड करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात इस बार लगी वो ये कि कोरोना की वजह से जो मैनेजमेंट है यहाँ का, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है या जिस तरीके की अरेंजमेंट है, उसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन मिल रहा है। ये यहाँ पे सबसे अच्छी बात है जो कि मैंने शिरडी में भी देखी और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ। सो अब हम आ गए हैं होटल साईं राज और यहाँ पे हम करेंगे डिनर क्योंकि रात के 10 बज गए हैं और अभी हमें यहाँ से 1-1.5 घंटे का और जर्नी करना है। तो अभी हम यहाँ पे डिनर कर लेते हैं और देखिए बहुत अच्छा पीसफुल जगह है, बहुत ही मतलब यहाँ का मुझे जो आसपास का एरिया है वो भी बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, और हमारी हालत बहुत ख़राब है, मैं तो सुबह 3 बजे की उठी हूँ और ठंड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है हमारे लिए तो है, और क्योंकि जगह जगह पे बारिश है उस वजह से ठंड का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। और अब हम जल्दी से यहाँ डिनर करें और घर जाके बस सोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो फैमिली एक बार मैं पूरा आपको होटल का अंदर से लुक दिखा देती हूँ, और अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें क्या क्या डिनर में चाहिए, और एक बार देख लीजिए आप चारों तरफ। लग रही है ना मम्मी, ठंड बहुत है। अभी हम खाना खा के निकल जाएंगे ना थोड़ी देर में, और पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, ऑलमोस्ट 12 बज जाएंगे, और हमारी शक्ल एकदम इससे सड़ी सी हो गई है। सो फैमिली मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो फैमिली हम यहाँ पे पी रहे हैं कॉफ़ी क्योंकि ठंड है, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी बाय बाय बोल देना, बाय बाय, गुड नाइट।